लखनऊ के किसी छोटे से गांव में पल्लवी अपनी सौतेली बहन रीवा के साथ रहती थी। पल्लवी बहुत ही नेक लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन रीवा बहुत ही बदतमीज और घमंडी थी। पल्लवी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। रीवा अक्सर किसी न किसी बात पर पल्लवी को तंग करती रहती थी। रीवा जॉब करती थी और उसी के पैसों से घर चलता था, इसलिए उसको खुद पर बहुत घमंड था। लेकिन वो पल्लवी को स्कूल पढ़ने नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि पल्लवी की पढ़ाई में पैसे खर्च करके फालतू में उसके पैसे बर्बाद होंगे। रीवा के इस बर्ताव से पल्लवी बहुत दुखी रहती थी। रीवा अपने पैसों से नई नई तरह तरह के कपड़े पहनती रहती थी, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी ने कई सालों से कपड़े नहीं खरीदे थे। एक दिन पल्लवी पड़ोस में रहने वाली लड़की के जन्मदिन में जाती है, लेकिन पल्लवी के फटे पुराने कपड़े देख वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ मुंह बनाने लगती है। अरे, इस फटीचर लड़की को देखकर तो मेरा सारा मूड खराब हो गया। आखिर इस भिखारी को यहाँ किसने बुलाया? हाँ, मुझे भी इसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। तुम ये सब क्यों बोल रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए नए कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे चुप कर छोटी लड़की, तेरी बहन जॉब करती है, क्या वो तुझे कपड़े लाकर नहीं देती होगी? खुद तो तेरी बहन रीवा बहुत टिप टाप करके घूमती है और तू हर जगह फटीचर बनकर घूमती है। इसमें मैं क्या करूँ? देख, जो भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू यहाँ रही तो हम में से कोई भी खाना नहीं खा पाएगा, क्योंकि तेरे में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तेरी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। भला मेरी वजह से माहौल खराब कैसे हो सकता है? ये अमीरों की पार्टी है, ना कि तेरे जैसे फटीचरों की। ज्यादा बहस मत कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। कितनी जिद्दी है, जा रही है यहाँ से कि मैं अपनी सैंडल उठाऊं। ये सब बातें सुनकर पल्लवी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रीवा पल्लवी को अपने पास बुलाती है। पल्लवी, पल्लवी कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। हाँ दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? सुन, मेरे बॉस को परीलोक के आम बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे प्रमोशन पाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बॉस को परीलोक के आम खिलाकर खुश करूँ। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुझे परीलोक जाना होगा और वहाँ से आम चोरी करके लाना होगा। नहीं दीदी, ये मैं नहीं करूँगी। मैंने सुना है परीलोक बहुत खतरनाक है और वहाँ चोरी करने की बहुत कड़ी सजा सुनाई जाती है। आप मुझे वहाँ मत भेजो। मैंने तेरे से तेरी राय नहीं मांगी है, मैंने कह दिया तो तुझे जाना ही होगा। अगर तू नहीं गई तो तुझे जो रहने के लिए छत मिल रही है और खाने के लिए तो रोटी, वो भी नहीं मिलेगी। आप मुझे फ्री में कुछ नहीं देती हो। मैं अकेले घर का सारा काम करती हूँ और आपके कपड़े भी धोती हूँ। पल्लवी की ये बात सुनकर रीवा उसे दो तमाचा लगाती है। अब तेरी जुबान भी चलने लगी है, मैंने कहा था ना अभी के अभी परीलोक जा, वरना तेरी बची कुची कसर पूरी कर दूंगी। रीवा की धमकी सुनकर पल्लवी डर जाती है और मजबूर होकर परीलोक चली जाती है। काफी लंबे सफर के बाद पल्लवी परीलोक पहुंच जाती है। चलो आखिरकार परीलोक पहुंच गई। अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं देखा है, अब जल्दी से आम का बगीचा ढूंढ लेती हूँ। उसके बाद पल्लवी आम का बगीचा ढूंढने लगती है और कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे आम का बगीचा मिल जाता है। अरे वाह, आम का बगीचा भी मिल गया। जल्दी से आम तोड़कर पृथ्वी लोक चली जाती हूँ। पल्लवी आम तोड़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक परीलोक की कुछ परियां वहां आ जाती है और पल्लवी को आम तोड़ते हुए देख लेती है। अरे नीलू परी, वहां देखो, पृथ्वी लोक की एक लड़की हमारे बगीचे से आम तोड़ रही है। हाँ हाँ, चलो जल्दी से इसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद परियां पल्लवी के पास जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। तूने हमारे बगीचे से आम चोरी करने की कोशिश कैसे की, अब तू नहीं बचेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। जो भी हमारे परीलोक में चोरी करता है, रानी परी उसे कड़ी से कड़ी सजा देती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये सब मैंने अपनी सौतेली बहन के कहने पर किया है। मेरी सौतेली बहन बहुत बुरी है और मजबूरी में मुझे उसकी सारी बात माननी पड़ती है। हर चोर इसी तरह के बहाने बनाते हैं, हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। चलो इसे रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद सभी परियां मिलकर पल्लवी को रस्सी से बांध देती है और उसे रानी परी के महल में लेकर जाती है। पल्लवी को देख रानी परी परियों से पूछती है, परियों तुमने इस लड़की को क्यों बांध रखा है? रानी परी जी, ये हमारे परीलोक से आम चोरी करके ले जा रही थी, इसलिए हम इसे आपके पास लेकर आए हैं।
रानी परी पल्लवी से कहती है, क्या ये परियां सच कह रही हैं? पल्लवी रोते हुए रानी परी को सारी बात बताती है। रानी परी बहुत ही अनुभवी और दयालु थी, इसलिए उसे पता चल जाता है कि पल्लवी जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है। पल्लवी की बात सुनने के बाद रानी परी कहती है, ये लड़की मासूम है, इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। रानी परी के इतना कहने पर सोन परी पल्लवी के हाथ से रस्सी खोल देती है। उसके बाद रानी परी पल्लवी से कहती है, पल्लवी ये लो दो जादुई लिपस्टिक, पहली लिपस्टिक तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और दूसरी लिपस्टिक हर बुरी चीज से तुम्हारा बचाव करेगी। ये सुनकर पल्लवी बहुत खुश होती है और रानी परी का शुक्रिया करके पृथ्वी लोक वापस आ जाती है। रीवा पल्लवी से कहती है, क्यों मनुज खाली हाथ लौट कर क्यों आई है? मैंने तेरे से आम मंगवाए थे ना? आज से मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी, अगर आपने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अचानक तुझमें इतनी अकड़ कहाँ से आई? रुक अभी बताती हूँ तुझे। जैसे ही रीवा पल्लवी को मारने के लिए हाथ उठाती है तभी दूसरे जादुई लिपस्टिक से बहुत सारे झाड़ू और डंडे बाहर निकलते हैं और रीवा की पिटाई करने लगते हैं। रीवा रोते रोते भागने लग जाती है और झाड़ू डंडे उसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उस दिन से रीवा सुधर जाती है और कभी दोबारा पल्लवी को तंग नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पहली जादुई लिपस्टिक से बहुत सारे पैसे मांगती है और अपने लिए एक घर खरीदती है। उस दिन से पल्लवी अपने नए घर में हंसी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के एक गांव में सोनू अपनी माँ सरला के साथ रहता था। सोनू के पिता की मृत्यु काफी पहले ही हो गई थी, इसलिए अब सोनू काम करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन रात को सरला सोनू से कहती है, बेटा लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, चलना जरा बाहर से टहल कर आते हैं। माँ लेकिन रात को बाहर घूमना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, आप घर में ही दो चार चक्कर लगा लीजिए ना। डरपोक कहीं का, तुझे नहीं जाना तो मत जा, मैं जरा बाहर से टहल कर आती हूँ। इतना कहकर सरला बाहर टहलने चली जाती है। सरला घूमते घूमते गांव के आखिरी छोर तक चली जाती है। अचानक से सरला गांव के बाहर वाले जंगल में एक बहुत तेज रोशनी देखती है। अरे ये इतनी तेज रोशनी कैसी है, सोनू सही कह रहा था, रात को घूमना ठीक नहीं है। इतना कहकर सरला भागने लगती है। जंगल में फैली उस रोशनी से पांच लड़कियों की परछाई निकलती है। उनमें से एक लड़की की आवाज आती है, आखिर हम आ ही गए, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है दोस्तों? अरे बुद्धू इस समय रात हो रही है, रात के समय इंसान सो जाते हैं, इसलिए अपने घर के लाइट भी बंद कर देते हैं। तभी फिर से पहली वाली लड़की बोलती है, अब जल्दी से सब इधर उधर बिखर जाओ, सुबह होने पर हम एक जगह पर मिलेंगे। उसके बाद सभी परछाइयां सुबह एक जगह मिलने का डिसाइड करके इधर उधर हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आई। वो इस बात को इत्तेफाक समझकर गांव के अलग अलग कोने में चली जाती है। तभी उस जंगल के गुफा में रहने वाली एक जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, अब मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। इतनी देर में सरला अपने घर पहुँच जाती है। अपनी माँ को डरा हुआ देख सोनू माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? बेटा मैंने जंगल में एक बहुत तेज रोशनी देखी और मुझे वहाँ पांच परछाई नजर आई। मैंने कहा था ना माँ रात को बाहर टहलना ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हो, चलो अब काफी रात हो गई है सो जाओ। उसके बाद सरला बिना ज्यादा दिमाग लगाए सो जाती है। अगले दिन गांव में एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। सोनू की माँ सरला भी भीड़ देखकर वहाँ पहुँचती है और कहती है, अरे भाई साहब यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? अरे बहना सामने देखो, बिल्कुल परी जैसी दिखने वाली लड़कियाँ नजर आएगी तुम्हें। सरला देखती है कि दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ गाय भैंसों के साथ खेल रही है और मस्ती कर रही है और उनके सुंदरता में इतनी चमक है मानो चांद जमीन पर आ गया हो। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है, कलावती देखो कितना मजा आ रहा है, ये जगह तो सच में बहुत मजेदार है। हाँ चंद्रवती तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम अपनी बाकी सहेलियों को भी यहाँ लेकर आते हैं।
उसके बाद कलावती और चंद्रवती वहाँ से चली जाती है। गांव वाले तो उनको टकटकी लगाकर देखे जा रहे थे। उनके जाने के बाद वो लोग आपस में उनकी सुंदरता के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तभी उसी भीड़ में खड़ी सरला कहती है, ये दोनों लड़कियां तो ऐसे कर रही है जैसे इन्होंने आज तक कभी गाय भैंसों को देखा ही नहीं। दूसरी तरफ बाकी की तीनों सहेलियां गांव के नदी में पानी से खेल रही थी। वहीं पास से ही सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ गुजर रहा था। उसके शरीर पर कुछ पानी की छींटे आती है। जब वो सामने देखता है तो देखता है कि बहुत ही खूबसूरत तीन लड़कियां नदी में नहा रही हैं। सोनू उनका रूप देखकर मोहित हो जाता है। तभी वहां से गांव का पहलवान रामलाल गुजर रहा था, जिस नदी में वो तीनों खूबसूरत लड़कियां नहा रही थी। उस नदी की देखभाल रामलाल ही करता था। वो नदी में तीनों लड़कियों को नहाता देख गुस्सा हो जाता है और उनके पास जाकर चिल्लाने लगता है, वह लड़कियों, इस नदी में नहाने के तुम्हें इजाजत किसने दी? चलो निकलो यहाँ से। रामलाल की बातों से तीनों लड़कियाँ डर जाती हैं और नदी से बाहर निकल जाती है। तभी उन तीनों में से चंदा नाम की लड़की कहती है, इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते, देखा तुमने इन्होंने हमें बेवजह कितना डांटा। चंदा की बात सुनकर रामलाल कहता है, इतनी बड़ी हो गई हो और नदी में खेल रही हो, अरे छोटी बच्ची हो क्या? इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। तभी कलावती और चंद्रवती अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। सोनू छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। तभी कलावती कहती है, क्या हुआ चंदा, तुम तीनों का मुँह इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते, उन्होंने हमें डांटा। अरे तुम इंसानों की फिक्र क्यों करती हो, हम पांचों नागलोक से यहाँ सिर्फ मस्ती करने ही तो आए हैं, और वैसे भी उन्होंने सिर्फ डांटा ही तो है, कोई बात नहीं। इधर पांचों नागिन सहेलियां मस्ती करने में व्यस्त थी। उनको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। गुफा में बैठी जादूगरनी अपने मायावी गोले पर पानी छिड़कती है। तभी उसमें पांचों नागिन दिखने लगती है। अच्छा तो तुम सब यहाँ मस्ती कर रही हो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोग यहाँ खुद आई हो, लेकिन तुम पांचों को ये बात नहीं पता कि तुम्हें यहाँ मेरी काली शक्तियाँ खींच कर लाई है। अब तुम्हारे पास जो नागमणि है वो जल्द ही मेरी हो जाएगी। हा 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 हा। जादूगरनी अपने मन में एक योजना बनाती है और अपने हाथ में जादू से एक नकली नागमणि प्रकट करती है। हा 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 हा। नागिनो अब कैसे बचोगी मेरी इस चाल से? सभी नागिन सहेलियां पृथ्वी लोक के सुंदरता का आनंद ले रही थी और दूसरी तरफ सोनू को ये पता चल गई थी कि वो पांचों नागिन हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा छुप छुप कर उन पांचों को देखता रहता था क्योंकि उसे उन पांचों में से चंद्रवती से प्यार हो गया था। एक दिन सोनू सोचता है, ऐसे छुप छुप कर देखने से कुछ नहीं होगा, अगर मुझे चंद्रवती से प्यार है तो मुझे उसके सामने ये जाहिर करना होगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नागिन है। इतना सोचकर सोनू उन पांचों के पास जाता है और चंद्रवती का हाथ पकड़कर कहता है, चंद्रवती तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? ये सुनते ही बाकी चारों नागिने हंसने लगती है। तभी कलावती कहती है, अरे चंद्रवती हाँ बोल दे, देख तो कितना अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के तो तुझे हमारे वहाँ भी नहीं मिलेंगे। लेकिन चंद्रवती गुस्सा हो जाती है और सोनू को जोरदार चांटा मार देती है। बेचारा सोनू उदास हो जाता है। दूसरी तरफ अपनी चाल को अंजाम देने जादूगरनी गुफा से बाहर निकलती है। तभी उसको गांव का पहलवान रामलाल मिल जाता है। अरे कहाँ जा रही हो अम्मा, वो अभी इतनी जल्दबाजी में? रामलाल को देखकर जादूगरनी मन ही मन सोचती है, ये पहलवान मेरे बहुत काम आ सकता है, क्यों ना इसे सब कुछ बता दिया जाए। इतना सोचकर जादूगरनी रामलाल को सारी बात बता देती है। अच्छा तो पूरे गांव में जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो पांचों नागिन है? अम्मा मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसे भी मुझे औरतों से नफरत है और ये तो नागिन है, एक एक को उठाकर आपके पास लाऊंगा मैं। उसके बाद जादूगरनी और रामलाल एक साथ होकर नागिनों के पास जाते हैं।
पांचों नागिन एक साथ खेल रही थी। तभी जादूगरनी उनके पास जाती है। बेटी, क्या इस बूढ़ी औरत को पानी मिलेगा? मैं तुम्हें उसके बदले एक बहुत कीमती चीज दूंगी। उसके बाद नागिन उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कलावती और चंदा को अपने साथ थोड़ा आगे लेकर जाती है और उन्हें अपने नकली नागमणि निकाल कर दिखाती है। नागमणि देखकर चंदा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नागमणि तो हमने चंद्रवती को सौंपी थी। नागलोक की अमानत इस बूढ़ी औरत के पास कैसे गई? मुझे लगता है इसमें चंद्रवती का कोई लालच छुपा है। उसके बाद कलावती और चंदा जाकर चंद्रवती को थप्पड़ मार देती है और वो उसे नागमणि की मांग करती है। घबराहट में चंद्रवती को सच में नागमणि नहीं मिलती। वो भूल जाती है कि उसने नागमणि कहाँ रखी है। वो घबरा जाती है। तभी कलावती कहती है, मैंने कहा था ना कि इस चंद्रवती पर कभी भरोसा मत करना। मेरा विश्वास करो, मैंने नागमणि किसी को नहीं दी। मैंने उसे कहीं संभाल कर रखा है, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने कहाँ रखा है। उसके बाद सारी नागिने चंद्रवती से झगड़ने लगती है और सभी उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। बेचारे चंद्रवती अकेली ही जंगल में भटकने लगती है। बाकी चार नागिने मुंह फुलाकर आगे चली जाती है। ये सब देखकर जादूगरनी बहुत खुश होती है और रामलाल से कहती है, रामलाल ध्यान रहे, नागमणि चंद्रवती के पास है। तुम चंद्रवती को संभालो, तब तक मैं इन चारों नागिनों का ठिकाना लगा कर आती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी चारों नागिनों के पीछे पीछे निकल जाती है और रामलाल चंद्रवती के सामने उसे छेड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। कितनी खूबसूरत हो ना तुम, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक नागिन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नागमणि मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी चारों सहेलियाँ कि मैं बहुत बुरा हाल करूँगा, वो हमारे कब्जे में है। चंद्रवती घबरा जाती है, वो वहाँ से भागने लगती है। तभी रामलाल एक चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी किसी हीरो की तरह सोनू वहाँ पहुँच जाता है और रामलाल से हाथापाई करने लगता है। रामलाल बहुत पहलवान था, इसलिए सोनू उसके सामने टिक नहीं पाता। रामलाल सोनू की बहुत पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और चंद्रवती एक विशाल नागिन में बदल जाती है। उसे देख रामलाल घबरा जाता है। फिर चंद्रवती रामलाल को डसकर उसकी जान ले लेती है। फिर चंद्रवती सोनू को उठाती है और कहती है, तुम रामलाल के सामने कितने कमजोर थे, फिर भी तुम मुझे बचाने आए। इतना कहकर चंद्रवती सोनू को गले लगा लेती है। सोनू भी उसे गले लगा लेता है। सोनू, मुझे लगता है मेरी सहेलियां खतरे में हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। चारों नागिनों के पीछे पीछे जादूगरनी चल रही थी। जादूगरनी अब एक बूढ़े व्यक्ति का रूप ले लेती है और नागिनों के पास पहुँचता है। बेटी, मेरी पत्नी को बचा लो बेटी, वो गुफा में जख्मी पड़ी हुई है। इस बहाने से जादूगरनी चारों नागिनों को गुफा के अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद कलावती कहती है, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? यहाँ तो कोई नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति हंसता हुआ जादूगरनी में बदल जाता है और चारों नागिनों को कैद कर लेता है। अपनी सहेलियों को ढूंढते ढूंढते चंद्रवती और सोनू गुफा तक पहुंच जाते हैं। चंद्रवती जादूगरनी से कहती है, छोड़ दो मेरी सहेलियों को, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अगर तुम अपनी सहेलियों की जान बचाना चाहती हो तो वो नागमणि मेरे हवाले कर दो, जो तुमने अपनी नाभि में छुपा रखी है। जादूगरनी की ये बात सुनते ही चंद्रवती को याद आ जाता है कि उसने नागमणि सच में अपनी नाभि में छुपा रखी है। जादूगरनी, मूर्खता में तूने खुद ही अपनी मौत को न्योता दे दिया। मैंने अपनी नागमणि कहाँ रखी थी ये मैं भूल गई थी, लेकिन तूने मुझे याद दिला दिया। अब इसी नागमणि से तो बहुत बुरी मौत मरेगी। इतना कहकर चंद्रवती अपनी नागमणि प्रकट करती है और सोनू से कहती है, सोनू तुम अपनी आंखें बंद कर लो। सोनू अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर चंद्रवती नागमणि की रोशनी इतनी तेज कर देती है कि जादूगरनी अंधी हो जाती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। देखते ही देखते वो जलकर भस्म हो जाती है। उसके जलते ही चारों नागिने आजाद हो जाती हैं। आजाद होने के बाद वो चारों चंद्रवती से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो चंद्रवती, हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और तुम्हें गलत समझा।
ये सब इस जादूगरनी की चाल थी। ये मुझे तुम लोगों से अलग करके नागमणि हासिल करना चाहती थी। लेकिन हमें वादा करना होगा कि आगे से हम एक दूसरे पर अटूट भरोसा करेंगे। पांचों नागिन सहेलियां एक दूसरे से ये वादा करती हैं कि अब वो एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखेंगी। उन लोगों को पृथ्वी लोक इतना अच्छा लगता है कि वो पृथ्वी पर ही रहने लगती हैं। कुछ दिन बाद चंद्रवती सोनू से शादी कर लेती है और सरला की बहू बन जाती है। चंद्रवती, तुम नागिन हो, ये बात माँ को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो तो पागल ही हो जाएगी। दोनों हंसने लगते हैं और इसी तरह वो सभी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।